चीज़ को सोचकर ये हमने अपने एक संगठन तैयार किया है कि यहाँ के कश्मीर के नौजवानों को, यहाँ के बुज़ुर्गों को, यहाँ हमारी माओ बहनों को, यहाँ हम जितने भी मुसलमान हैं, मिलिटेंट 10 बने और हम 30 करोड़ मुसलमान अब इस वक्त हिंदुस्तान का बदनाम है। हम ये चाहते हैं कि इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैंने अपील की है हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी, जितने भी भारत में रहते हैं हम लोग, जितने भी यहाँ बहन भाई हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारा संगठन भी सबका साथ है, सबका विकास भी है। हम ये चाहते हैं कि हम लोग ये मिलकर इस मिलिटेंसी को, उस लानत को ख़त्म करें। पहले भी हमने, मैं गुजर कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा एंटी मिलिटेंसी फ्रंट मोर्चा था, उस वक़्त भी हमने 1992 में तो भी हमने कुर्बानियाँ दी, हमारे 40 आदमी के करीब मारे गए, मुझे खुद भी गोली लगी, 5 गोलियाँ लगी हैं, मेरा अडवानी जी ने इलाज कराया इसमें एम्स में दिल्ली में। और हम इस वक्त इससे नहीं डरते हैं। हमें कुछ लोग कह रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आपको गोली आएगी। मैंने बोला वतन से ऊपर मेरी गोली नहीं है, मैं मरूंगा, मेरे बच्चों का नाम तो अच्छी जगह पर आएगा।